हेलो गाइस, वेलकम टू दुनका एग्रीकेडमी। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ इंसेक्ट। पिछले वीडियो में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस किया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं ताकि एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपन एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम को अगर सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो क्या हो सकता है, इंसेक्ट में फूड डाइजेशन के बाद जितना भी बचा हुआ वेस्ट मटेरियल रहता है उसको बाहर निकालना या उसको रिमूव करना ही एक्सक्रीशन कहलाता है। और क्योंकि इसमें एक सिस्टम इन्वॉल्व रहता है, मैल्थिजियन ट्यूबुल से लेके अदर ऑर्गन्स जो हेल्प करते हैं वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में, तो ओवरऑल ये एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाता है। तो इनमें होता क्या है, ये मेंटेन करते हैं वाटर और आयन का बैलेंस जो कि हीमोलिम्फ में प्रेजेंट होता है। हीमोलिम्फ कहाँ रहता है, इंसेक्ट के सराउंडिंग एरिया में पूरा ये इंसेक्ट ब्लड या हीमोलिम्फ प्रेजेंट रहता है। अब हम बात करें कुछ प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की कि किस किस फॉर्म में इंसेक्ट अपना एक्सक्रीटा को निकालता है। तो पहले अपन देखते हैं गैसियस फॉर्म में जो कि CO2 प्रेजेंट होता है उसमें। सेकंड होता है लिक्विड फॉर्म में जो कि हनी ड्यू सीक्रेट करता है, ये खासकर एफिड में होता है। और तीसरा होता है सॉलिड जो कि यूरिया या यूरिक एसिड के फॉर्म में निकलता है। एंड फोर्थ वन इज सेमी सॉलिड जो कि एलेंटोइन नाम का जो केमिकल्स रहता है वो उसमें प्रेजेंट होता है। और ये किससे पाया जाता है, बोफ्लाई। सॉलिड की बात करें तो जितने भी लेपिडोप्टेरेंस है कोलियोप्टेरेंस है उनमें प्रेजेंट रहता है। गैसियस की बात करें तो मोस्टली हेमिप्टेरेंस इंसेक्ट में। जैसे कि इंसेक्ट के वेस्ट मटेरियल में क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजिनस कंपाउंड। तो ये नाइट्रोजिनस एक्रीशन क्या होता है, दो फॉर्म में होता है। एक होता है यूरिकोटेलिज्म, ये स्पेशली टेरेस्ट्रियल टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट में पाया जाता है जो कि जमीन पे रहते हैं। और उनका जो एक्सक्रीट रहता है या वेस्ट प्रोडक्ट रहता है वो किस फॉर्म में रहता है, यूरिक एसिड के फॉर्म में या यूरेट्स के फॉर्म में रहता है। और वाटर इनसोल्यूबल रहता है, बिल्कुल पानी में नहीं घुलता। और इनको बहुत कम पानी चाहिए रहता है अपना मटेरियल अपना वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, यूरिकोटेलिज्म में ये होता है। बात करें अपन एमोनोटेलिज्म में तो ये ओनली एक्वेटिक इंसेक्ट में होता है जो कि एमोनिया के फॉर्म में अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं जो कि वाटर में सोल्यूबल होता है। और इनको बहुत ज्यादा पानी चाहिए रहता है अपना वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए। तो ये दोनों टाइम इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन्स रहते हैं इन्वॉल्व रहते हैं एक्सक्रीशन के प्रोसेस में। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका पहला मैल्थिजियन ट्यूबुल्स। ठीक है, सेकेंड इंटेग्यूमेंट बॉडी वॉल, ये भी हेल्प करता है। ट्रेकियल सिस्टम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल बोला जाए या गैस जो रहता है CO2 को निकाला जाता है बाहर। रेक्टम हेल्प करता है। नेफ्रोकाइट्स, यूरेट सेल, यूनोकाइट्स और क्लोराइड सेल, ये सब सेल्स क्या करते हैं, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट या वेस्ट मटेरियल रहते हैं इनको एब्जॉर्ब करते हैं और ये भी हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन में। तो अब आप देखते हैं फिजियोलॉजी किसका, मैल्थिजियन ट्यूबुल का। मतलब मैल्थिजियन ट्यूबुल किस तरह वर्क करता है, किस तरह वो हेल्प करता है एक्सक्रीटा को बाहर निकालने में। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट टू पॉइंट अपन देखते हैं, क्लियर करते हैं। अब ये रहा आपका मैल्थिजियन ट्यूब्यूल जो कि वन पेयर में प्रेजेंट है। अब इसके ऊपर एक पतली लेयर पाई जाती है जो कि एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई होती है। और उनके बीच में एक ट्यूब लाइक गैप होता है जो कि कहलाते हैं पैरासेलुलर माइक्रोट्यूब्स। ठीक है, अब क्या होता है, मैल्थिजियन ट्यूब्यूल सिलेक्टिवली टेक पोटेशियम सोडियम एंड क्लोराइड फ्रॉम हिमोलिम। अब इसके आसपास क्या प्रेजेंट है, पूरा हिमोलिम प्रेजेंट है जहां आपका क्या प्रेजेंट है, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड प्लस वाटर और सम अदर आयंस। वो क्या करता है, उसको सिलेक्टिवली मतलब सिर्फ इनको स्पेशली क्या करता है, एंटर करने देता है, अलाउ करता है। तो ये मेल्फिजियन ट्यूबुल में एंटर कर लेते हैं। अब ये जैसे ही एंटर होता है इनका मेल्फिजियन ट्यूबुल में, यहाँ पे प्रेशर बन जाता है मेल्फिजियन ट्यूबुल में। और प्रेशर का फॉर्मेशन होता है मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, जिस कारण क्या होता है, जो हिमोलिम्फ में जो वाटर है और अदर वेस्ट प्रोडक्ट या यूरेट है वो भी वाटर के थ्रू मेल्फिजियन ट्यूबुल में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, बाय किसके हेल्प के थ्रू, ओस्मोसिस, जिसमें ओस्मोसिस का रूल्स फॉलो होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वाटर आयंस और जो भी यूरेट्स हैं वो एंटर कर चुके हैं कहाँ पे, मेल्फिजियन ट्यूबुल्स में। अब क्या होता है, वो मूव कर जाते हैं कहाँ पे, डिस्टल जोन में। ये होता है सॉरी, ये डिस्टल, ये है यहाँ प्रोक्सीमल है, तो ये प्रोक्सीमल जोन में बढ़ जाते हैं। और जो यूरेट्स रहता है वो किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पे जो वाटर्स रहते हैं, कुछ वाटर कुछ आयन्स और स्पेशली जो पोटेशियम रहता है वो बैक टू कहाँ चल जाता है, फिर हीमोलिम्फ में मतलब इंसेक्ट ब्लड में फिर से वापस चले जाता है। कहाँ से, प्रोक्सीमल जोन के थ्रू। ये देखिए पोटेशियम और क्लोराइड जो है आयन्स और वाटर जो है फिर से री एंटर करके कहाँ पे, हीमोलिम्फ में। अब क्या होता है, जो बचा हुआ लेफ्ट एक्सक्रीटर रहता है वो क्या होता है, गट में एंटर हो जाता है। ठीक है, और वो इलियम कोलन के थ्रू होते हुए रेक्टम में पहुंचता है। अब रेक्टम में क्या होता है, यहाँ पे फिर से री एब्जॉर्प्शन होता है किसका, वाटर और जो बचे कुचे आयंस रहते हैं। ठीक है,
उनको फिर से इंटेक कर लिया जाता है और बाद में उनको रिलीज कर दिया जाता है कहाँ में, कहाँ पे, हीमोलिम्फ में या इंसेक्ट ब्लड में। और बाकी जो बचा हुआ सॉलिड वेस्ट मटेरियल है उनको रिलीज कर दिया जाता है अपने एनएस के थ्रू। तो ओवरऑल ये हमने देखा कि जितना भी वेस्ट मटेरियल है उनमें से जितना हो सकता है वाटर और आयन्स उसको रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, पूरा यूटिलाइज कर लिया जाता है, तब उसको रिलीज किया जाता है या एनएस के थ्रू बाहर छोड़ा जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल आपको फिजियोलॉजी समझ में आ गया होगा कि मेलफिजियन ट्यूबुल कैसे वर्क करता है। अब अपन देखते हैं मेलफिजियन ट्यूबुल्स का मेन क्या क्या फंक्शन है। पहला फंक्शन तो आप सबको पता है, ठीक है, ये जितना भी है नाइट्रोजिनस पेस्ट जो रहता है उसको क्या करता है, रिमूव करता है। और कुछ इनके एसेसरी फंक्शंस हैं, ठीक है, जो इनको हेल्प करते हैं। जैसे कि बात किया जाए, कुछ इंसेक्ट क्या करते हैं, कैल्शियम का स्टोर करते हैं, वो इनका क्या हेल्प करता है, जो प्यूपा रहता है प्यूपेरियम को क्या बनाता है, हार्ड बनाता है। ठीक है, कुछ इंसेक्ट रहते हैं जो स्पिटल स्पिटल पर क्या करता है, स्पिटल सिक्रीशन करता है, जो कि एक्सक्रीशन मेलफिजियन ट्यूबल्स उसको हेल्प करते हैं। ये देखिए ये स्पिटल बग, और ये आप देख सकते हैं ये पूरा स्पिटल स्पिट्स इनके आसपास पूरा जमा हो गया है जो कि इनको प्रोटेक्ट करता है। लाइट प्रोडक्शन की बात करें, जो कि बोलिटोफिला या ग्लोबोम जो कि लाइट प्रोडक्शन करते हैं, वो भी मेलफिजियन ट्यूबल के हेल्प के थ्रू करते हैं। ठीक है, उनमें जो कुछ आयंस रहते हैं, चार्ज होते हैं, जिसके कारण क्या होता है उनमें ग्लोइंग होता है या लाइट प्रोडक्शन होता है। और कुछ इंसेक्ट में क्या होता है, सिल्क प्रोडक्शन, खासकर ये लार्वा न्यूरोप्टेरा, मतलब जो ग्रीन लेस विंग है उनका जो लार्वा रहता है वो सिल्क प्रोडक्शन करता है, और आप देख सकते हैं ये अपने ऊपर एक तरह से प्रोटेक्टिव कवर बना लेता है। अब सेकेंड जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करता है वो है यूनोकाइट्स या उनोकाइट्स। तो ये कहाँ से निकलता है, ये एक्टोडर्म या हाइपोडर्मिस, इंसेक्ट क्यूटिकल जो रहती है उनमें पाया जाता है एक्टोडर्म। ठीक है, तो सबसे नीचे में प्रेजेंट रहता है बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, वहां से ये अराइज होता है, वहां से मतलब ये निकलते हैं। वो आप देख सकते हैं ये रहा इनका पूरा आपका डाइजेशन सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल, और उसके जस्ट ऊपर में ये उनोकाइट्स प्रेजेंट है। समझिए कि एक तरह से ये इंसेक्ट ब्लड में फ्रीली मूव करते रहते हैं। ठीक है, और ये जो सेल्स रहते हैं ये इनका सिक्रेशन क्या, ये क्या सिक्रेशन करते हैं, ये क्यूटिकुलिन लेयर सिक्रेट करते हैं, कहाँ, एपिक्यूटिकल में। अगर आपको इंसेक्ट बॉडी वॉल पता है, आप पढ़ चुके हैं, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब तीसरा आपका ऑर्गन है नेफ्रोकाइट्स, ये भी एक तरह के सेल्स होते हैं जो इंसेक्ट हिमोलिम्फ में पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, जो फॉरेन केमिकल्स रहता है या फॉरेन पार्टिकल्स रहता है इंसेक्ट हिमोलिम्फ में, जिसका मोलिकुलर वेट हाई रहता है, जो कि मेलफिजियन ट्यूबुल उनको क्या करते हैं, नहीं ले पाते हैं, इंटेक नहीं कर पाते हैं, वो उनको क्या करते हैं, नेफ्रोकाइट्स इंटेक करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन में। ठीक है, इंटेग्यूमेंट की बात करें, ठीक है, तो इनमें एक प्रोसेस होता है मोल्टिंग। मोल्टिंग में क्या होता है, जो पुरानी स्किन रहती है इंसेक्ट की वो नए स्किन में चेंज हो जाती है, मतलब पुरानी स्किन को छोड़ दिया जाता है और नया स्किन फॉर्मेशन हो जाता है इंसेक्ट की बॉडी में। और जैसे ही इंसेक्ट पुराना जो स्किन रहता है वो रिमूव होता है, उसमें बहुत सारे नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट रहते हैं जो कि वेस्ट के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, और बात करें रेस्पिरेशन, इंटेग्यूमेंट में क्या होता है, बॉडी वॉल के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि स्पाइरिकल्स वहीं प्रेजेंट होते हैं, तो उनमें CO2 का रिमूव हो जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड से पाया जाता है वो भी इंटेग्यूमेंट वेस्ट के थ्रू, ठीक है, वो भी बाहर निकल जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अब बात करते हैं अपन फिफ्थ, ट्रेकियल सिस्टम। तो गैस का जो एक्सचेंज होता है इंसेक्ट बॉडी में, ठीक है, ऑक्सीजन का लेना, CO2 का छोड़ना, एक तरह से वो भी हेल्प करता है एक्सक्रीशन में, जो वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं, वेस्ट गैसेस रहते हैं, उनको बाहर निकालने में हेल्प करता है। सिक्स नंबर है आपका फैट बॉडीज। फैट बॉडीज क्या रहते हैं, एक तरह से समझिए लूज या कॉम्पैक्ट एग्रीगेशन, मतलब बहुत सारे सेल एक साथ मिलके, ठीक है, फैट बॉडीज क्रिएट करते हैं, जिसको हम ट्रोफोकाइट्स कहते हैं। और क्या होता है इनका, जो ये हीमोसील में, हीमोसील मतलब बॉडी कैविटी में क्या करते हैं, ये स्टोरेज का काम करते हैं और एक्सक्रीशन का काम करते हैं, मतलब कुछ पार्टिकल्स को, आयंस को क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ को एक्सक्रीट करने में हेल्प करते हैं। रेक्टम की बात करें, तो रेक्टम बताया था मैंने आपको, ये क्या करता है, रीअब्जॉर्ब ऑफ वाटर एंड सम आयंस, और ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, हाइंड गट में, आपने डायग्राम में देखा होगा। अब बात करते हैं अपन लास्ट, क्लोराइड सेल, ये कैसे एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। ये पहली बात किसमें प्रेजेंट होता है, एक्वेटिक इंसेक्ट, एग्जाम्पल के लिए जो लार्वा है मे फ्लाई का या स्टोन फ्लाई का। अभी क्या काम करते हैं क्लोराइड सेल, ये जितने भी उनके आसपास प्रेजेंट, उनके वाटर के आसपास जो भी आयंस प्रेजेंट होते हैं उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर, और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करते हैं, फिर से एक्सक्रीट कर देते हैं अपने आसपास ही, अपने सराउंडिंग एरिया में। एक तरह से क्या होता है इनके पास, एक तरह से क्लोराइड सेल आयंस रीअब्जॉर्ब करते हैं जो उनके आसपास वाटर बॉडी प्रेजेंट होती है, और फिर वो एक्सक्रीट कर देते हैं, मतलब ये साइकिल वाली प्रोसेस चलते रहती है। और मेन क्या होता है इनका, जो आयन कॉन्सेंट्रेशन है हीमोलिम्फ में वो उसका बैलेंस बने रहता है। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है इसमें एक्सक्रीशन सिस्टम में, क्रिप्टिनोफेरी या क्रिप्टिनोफ्रिडियल कंडीशन। इसमें क्या होता है, जो आपका मेलफिजियन ट्यूब्स रहता है वो अटैच हो जाता है रेक्टम में,
ठीक है, किसके थ्रू? पेरिनोफेरिक मेम्ब्रेन के थ्रू। अब क्या करता है ये, जो एक्स्ट्रा वाटर जो बचे रहता है ठीक है रेक्टम में, जो रीअब्जॉर्ब किया जाता है वेस्ट मटेरियल के थ्रू, उसको ये क्या करता है, इनटेक कर लेता है। ये कब करता है, जब डिहाइड्रेशन कंडीशन ज्यादा हो जाता है, स्पेशली टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट में जो कि जमीन पर रहते हैं। और ये स्पेशल कुछ एडल्ट कोलियोप्टेरा जो कि लार्वा लेपिडोप्टेरा के लार्वा रहते हैं और सिम्फाइटा के लार्वा, ठीक है, ये इनमें खासकर होता है। ये इंपॉर्टेंट है जीआरएफ के लिए, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। तो हमने देखा किस तरह इंसेक्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज करता है, बाहर निकालता है, बट कुछ इंसेक्ट ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, उनको अपने बॉडी में स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि वो उनको हेल्प करता है कुछ चीजों में, यही कहलाता है स्टोरेज एक्सक्रीशन। तो देखते हैं कौन से इंसेक्ट किस तरह एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का यूज करते हैं। फर्स्ट है यूरिक एसिड को स्टोर किया जाता है यूरेट के फॉर्म में, कहाँ पे, फैट बॉडी के सेल्स में। ये कौन करता है, अमेरिकन कॉकरोच। क्यों करता है, क्योंकि कभी कभी क्या होती है, फूड में शॉर्टेज हो जाती है यूरिक एसिड की, या उनके बॉडी में शॉर्टेज हो जाती है उस चीज की, तो वो स्टोर करके रखते हैं ताकि कभी भी इन फ्यूचर यूज कर पाए। अब बात करें अपन रेड कॉटन बग की, तो इनमें इनका जो व्हाइट कलर, ठीक है, व्हाइट कलर जो प्रोवाइड होता है किसके थ्रू होता है, यूरिक एसिड के थ्रू। और वो कहाँ स्टोर होता है, इनके बॉडी वॉल में, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये रहा आपका व्हाइट कलर जो प्रोवाइड हुआ है, ठीक है। अब तीसरा जो चीज है इंपॉर्टेंट, कुछ इंसेक्ट क्या करते हैं, अपने मेल एसेसरी ग्लैंड में यूरिक एसिड को स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि वो क्या उनको प्रोवाइड कराता है, आउटर कोट, किसको, स्पर्मेटाफोर को, जो कि एसेसरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। और ये कब एक्सक्रीट होता है, जब वो अपने फीमेल के साथ मेटिंग करते हैं, कॉपुलेशन जब होता है तब वो एक्सक्रीट होता है। अब पायरेट बटरफ्लाई की बात करें, तो इनमें इनके आप विंग्स में देख सकते हैं व्हाइट कलर, ये किसके कारण होता है, यूरिक एसिड जो कि स्टोर होता है विंग स्केल्स में। अब कुछ इंसेक्ट क्या करते हैं, अपने वेस्ट प्रोडक्ट को जब वो प्यूपल स्टेज में होते हैं, एडल्ट बनने का टाइम आता है, रिलीज कर देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिकोनियम। और मिकोनियम क्या रहता है, समझिए कि प्यूपल टाइम का उनका प्यूपल स्टेज का वेस्ट मटेरियल रहता है, जो कि उनको बाहर आने में हेल्प करता है, जब वो एडल्ट बन के निकलते हैं, जो कि उनको हेल्प करता है प्यूपा से बाहर निकलने में। तो ओवरऑल ये था दोस्तों एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ इंसेक्ट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, जिनको जरूरत है प्लीज शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं और एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं स्पेशली, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और कुछ सजेशन है आपके द्वारा तो प्लीज कमेंट करिए। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच।